4 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की सुनवाई से पहले मुस्लिम संगठनों ने भी कमर कसना शुरू कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर सरकार राम मंदिर मुद्दे पर कोई अध्यादेश लाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बैठक में बाबरी मस्जिद की कई तंजीमों ने हिस्सा लिया और बाबरी मस्जिद के मामले के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी भी बैठक में शामिल हुए। आपको याद होगा कि 4 जनवरी से अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रही है। वहीं हिंदूवादी संगठन सरकार पर संसद में अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण करवाने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद ने भी धर्मसभा करके सरकार पर अध्यादेश लाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। बैठक के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि ये रूटीन